स्वै उजाड़ा मनिए जा मजबूरी कुछ कहना मुश्किल जापदा है। अजोके दौर च पंजाब तो पंजाबियों का दूर हो रहा पख आर्थिक पक्षों खुशहाल परिवार विद्या या किसी पक्षों गुणवान समझ रखने वाला नौजवान पंजाब नूं छड़ विदेशों वल मूँह कर रहा है। जिन्हां परिवारां च आर्थिक तंगी है उन्हां दे बच्चे मापियां नूं विदेश जाने लई करजे की पंड चुकन लई मजबूर कर रहे हैं। जिन्हां नौजवानों नूं विदेश जाने की इच्छा नहीं उन्हां नूं इत्थे रुजगार लई खज्जल खुआरी नशियां दे मारू असर आदि कई अजिहे पक्ष सामने आउंदे हन जिन्हां प्रति सरकारां दी जिम्मेवारी स्पष्ट दर्शाउंदी है, पर सरकारां दी इस पक्षों फोकी बयानबाजी जां कुछ कीता जा रहा है वह ना काफ़ी नूं उजागर करता है। अजिहे विच आप मुहारे मूहों निकलता है कि सरकारां नूं इह कुछ पता नहीं। जानकारां दी मन्निए तां पंजाब दे हर पिंड दी जमीन वकाऊ है। बहुराष्ट्री कंपनियां कारपोरेट घरानियां दी तिखी नज़र पंजाब दी उपजाऊ धरती उत्ते पीण योग मिठे पानी ते टिकी हुई है। इस पक्ष नूं सूबा सरकार अते केंद्री सरकार विचाले हुकमरान अते सियासतदान क्यों नहीं समझ रहे। पंजाब दी खुशहाली अते सुनहरे भविख दे वादे दावे करके वोटा बटोरन वाले आ जग मिठा अगे किन्ने डीठा दी कहावत अनुसार पंजाब पंजाबी अते पंजाबियत वलों मूँह मोड़ी खुद दे सियासी भविख की वधेरे चिंता ते कार्यशील जापदे हन। विचारिया जावे जे वड्डे कारपोरेट घरानियां नूं इह पता है कि भविख विच भारत अते अरब देशां नूं पीण वाले पानी अते मध्य एशियाई देशां विच खाण वाले पदार्थां दी वड्डी घाट होवेगी जिस नूं पूरा करन लई उपजाऊ धरती दी लोड़ पवेगी। उस पूर्ति लई एशिया दे इस खिते विच पंजाब दी धरती सब तो वधेरे लाहेवंद मनी जा रही है। कि सियासतदान इतिहास दे उन्हां पन्नियां तो जाणू नहीं कि किसी वेले आ रहा लोगों ने अपने बलबूते इधर आ के इतों द्रावड़ा नूं दवल के कब्जा जमाया सी। उसे तरह इत्थे वसदे पंजाबियों नूं जो अपनी जर जुरो ते जमीन लई मार मिटन वाली कौम है, पर पंजाबियों नूं उजाड़ना बहुत मुश्किल होया सी। कौड़ा सच तां इह है कि अज भी सीधे असिधे तरीके नाल पंजाबियों नूं देश प्रदेश जां प्रवास लई उकसाया जा रहा है। साडियां कमजोरियां उन्हां लई सहायक बन रही हन। अंग्रेजां दे बुणे जाल अज भी ज्यों दे त्यों हन। कौन नहीं जानदा कि वाही करके खेती उपज पैदा करने वाला किसान सिख पर खेती उत्पादन व्यापार करने वाला हिंदू जदों धर्मां दे नाम ते वंड होवे तां इस कदम नूं वधदा वधदा जात पात धर्म दे आधार ते पंजाब विच खुल्लदे डेरे नशियां दा फैलाया जा रहा जाल शायद इस पासे वल उत्साह करदा है कि अपने जवाकां नूं सांभणा तां सांभो। यादां दीआं तंदां जो अज भी 15 अगस्त दे दिन बापू जी दादा स्वै सरदार रूढ़ सिंह ढिल्लों दे कहे बोल याद आउंदे ने जदों उन्हां मैनूं कॉलेज पढ़न दौरान कहे सी असीं बाहर चों उजड़ के इत्थे आए तुसीं इत्थों उजड़ के किते होर चले जावोगे। पंजाब दे अजोके हालात अते जवाकां दा विदेश वल होया मूँह बापू जी दी बोल मैनूं पुगदे जापदे हन क्योंकि जदों असीं प्रवासी भरावां वल वेख पड़चोल करदे हाँ तां उन्हां दी दूजी तीजी पीढ़ी बाद इधर वल मूँह करन वाला विरला ही रहिंदा है। पंजाबियां दे उजाड़े च जमीनां दे वधे भा अते बैंकां वलों दित्ते सौखे करजे दा भी अहम पक्ष सामने आउंदा है। जदों हाथी किरत करन दे पवित्र सभ्याचार वलों मूँह मोड़दा वेखदे हाँ खर्चीले विआह खर्चीले मर्ग दे भोगां ने भी कसर नहीं छड्डी। रहिंदी कसर एक दूजे नूं नीवां विखाउण लई असमान छुंदियां कोठियां दी बनतर ने कढ़ी। बापू जी
दसदे हुंदे सी कि पंजाबियां दी हालत ये बनती जा रही है कि पैसा चाहिए वो भावें कर्जे दे रूप च होवे। एक अनुमान अनुसार पंजाब विच 2000 ईस्वी दे नेड़े तेड़े प्राइवेट बैंकों का जाल सामने आउन लग्या। इन्हां वेलियां च किसानां नूं सरकारी बैंकां 10,000 एकड़ दे हिसाब नाल ही कर्जा दिंदियां सन। प्राइवेट बैंकों वालों सरकारी बैंकों मुकाबले प्रति एकड़ 3 लाख रुपए के करीब देने की शुरुआत की। 2004 तो 2013-14 तक जमीन की कीमत विच आई जबरदस्त चमक वाली तेजी ने बैंकों दीआं लिमिटां नूं होर वड्डा कर दिता, जो किते किते 50 लाख तो करोड़ तक भी पहुँच गया। हुण हालात अजिहे बन गए ने कि जमीन की कीमत पहलां दे मुकाबले अध तो भी हेठा आ गई। अजिहे विच कीमत दे बराबर बैंक का कर्जा ज्यों दा त्यों रहा। पंजाब दा बहुगिनती नौजवान वर्ग जमीन घर वेच के विदेश की चमक वेखण नूं काला है। दूजे पासे प्रवासी वीरां च वी पंजाब वल्लों मूँह मोड़िया जा रहा, मूँह जग जाहर होण लगा है, जदों कि वह भी पंजाब विचलियां जमीना घरां नूं वेचण लई मन बनाउण लगे हन। हुण विचारन वाला पक्क यह है कि जे पंजाब विच पंजाबी ही ना रहा तो दूजे सूबिया तो आ के इत्थे वसण वाला पंजाब पंजाबी अते पंजाबीयत प्रति मां धरती पंजाब दे जायन वाला फर्ज निभाएगा। दरअसल असी हरे इनकलाब दी चमक सार ना सके, फसल उत्पादन दे वादे नाल गर्म हुंदी जेब ने हथों किरत छड़ाउन दी शुरुआत होई। इस दे नाल ही प्रवासी मजदूरां दी आमद अते सन 2000 ईस्वी दे अगे पिछे हालात विगड़न वल हो तुरे, लिहाजा अज दे दिन वेखणे पै रहे हन। भविख वल वेखदिया इंज महसूस हो रहा है कि बहुराष्ट्री कंपनियां कारपोरेट घरानियां साडे पंजाब दीआं जमीनां उच्चे मुल्लां नाल खरीदणगे, असी खुशी खुशी वेचांगे, कोई कर्जा लाहेगा, कोई जवाक नूं विदेश भेजेगा, कोई बेची जमीन दे वटे पैसियां नूं बाहर ले जा के सुरखरू करे होवेगा। यादां दीआं तंदां फोलदिआं चीखां चों वेख अजोके ते भविख नूं समझण दा यतन करदा हाँ। भविख दे हालातां दे बूहे वालियां चीखां विचों झाकदे सच नूं समझण दी लोड़ है कि सब तो पहला पंजाब दी किसानी नूं सांभण लई किसान दी आर्थिक पक्खों बांह फड़ी जावे। पंजाब दे हकां लई लड़न दा दावा वादा करन वाले अपने फर्जां नूं पहचानण। प्रवासी वीर भी अपने पिंडां अपने रिश्तेदारां साख संबंधियां दी बांह फड़न, उह पंजाब नालों नाता ना तोड़न अते अजिहे उपराले करन के उहनां दीआं अगलियां नस्लां पंजाब दीआं जड़ां नाल जुड़ियां रहन। दोस्तो ये सन विकदे ते उजड़दे पंजाब दी पहली स्टोरी जो तुहाडे रूबरू कीती है। इसे तरह इसका अगला भाग पंजाब दे उजड़दे पक्ष नूं तुहाडे रूबरू करांगे। साडा मकसद ये है कि इस किताब राही असी सुचेत होना, असी जागना अपने पंजाब लिए किवें ये सियासतदान ये कारपोरेट घरानियां नूं साडियां जमीना वेच रहे हैं, पर असी जागदे जमीना दे विच नाम बोलना चाहिए कि असी सुचेत सानू आप नू सुचेत होना पैना, ना कि सियासतदान सुचेत होण। सियासतदाना ने यही करते रहना, पर सानू आप अपनियां जमीना नू बचाउणा पैना, अपने पंजाब नू बचाना पैना, अपने पाणियां नू बचाउणा पैना। इसलिए इसका अगला भाग जल्द ताडे रूबरू करांगे। हुण लई दिओ इजाजत प्रीत डुगरी दे नाल साडा पंजाबी विरसा नैटवर्क।